नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें क्या कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, इसके इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है। तो इसके और भी पार्ट हैं, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 2/3 और 4/5, ये है दो नंबर, और इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, 15 ही आएगा। तो हम इसको, इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर देते हैं, 15 कर देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 कितना हो जाएगा, 5 2 10, और यहाँ पे हो जाएगा 15 हो गया, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हमें मिलेगा डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे हो गया 15। अब यहाँ पे 10 और 12 के बीच में हमें क्या नहीं मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है 5 नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो इसको हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो यहाँ पे 3 × 3 ये कितना हो गया, यहाँ पे तो 30 हो गया, और ये हो गया 15 × 3 = 45, और ये हो गया, इसको भी हम 3 से कर देंगे, 3 = कितना हो गया, 36 हो गया, और यहाँ पे हो गया 15 = 45 हो गया। क्या यहाँ पे हमें 5 नंबर मिल रहा है, 31, 32, 33, 34, 35, 5 नंबर हमें मिल रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 रेशनल इक्वल टू हो जाएगा 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 रेशनल नंबर्स मिल गया हम लोग को, 36 से पहले और 30 के बाद, 31 से 35 तक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 पार्ट है ये, और फर्स्ट में दिया हुआ है -3/2 और सेकंड में दिया हुआ है 5/3। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो 2, 3, तो इसका एलसीएम 6 होगा। सबसे पहले हम 6 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे करेंगे 2 से। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 × 3 = -9 होगा, और यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ पे 5 × 2 = 10, और यहाँ पे 6 हो गया। तो 10 - 9 और 10 + 10 के बीच में हमें कई सारा रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो फाइनली हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इतना ही पे लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स, ये हो जाएगा 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच का, ये आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट पार्ट है, 1/4 and 1/2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये तो 4 रहेगा ही, ये 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, लेकिन हमें इसके बीच में 1 और 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, मतलब थोड़ा सा फैला देंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 5 से कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 20, और इसको हम करेंगे 5 से, तो क्या हो गया, 5 × 2 = 10 हो गया, और यहाँ पे हो गया 20। तो क्या 5 और 10 के बीच में हमें 5 नंबर्स मिलने वाले हैं, नहीं मिलेंगे, 6, 7, 8, 9, तो 4 ही नंबर मिलेंगे। इसका मतलब है कि हमें इसको और थोड़ा सा बड़ा करना होगा। और बड़ा करने के लिए क्या करें, अब इसको या तो यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, या 7 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से कर देते हैं इसी को। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया, 5 × 2 = 10 हो गया, और यहाँ पे हो गया 40, और इसको कर देते हैं 2 से, तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 × 2 = 20 हो गया, और यहाँ पे हो गया 40। अब हमें 5 नंबर मिल जाएंगे 10 और 20 के बीच में, तो 5 रेशनल नंबर से इसका क्या हो जाएगा, 5। तो हम यहाँ पे 10 से आगे लिखेंगे और 20 से कम लिखेंगे इधर पीछे, तो 11 लिख लेते हैं, 11/40, 12/40 और 13/40, 14/40 और 15/40, 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, और इसमें क्या कह रहा है, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, तो इससे बड़ा
पांच रेशनल नंबर्स को लिखना है, तो इससे बड़ा जो भी नंबर आ रहे हैं उसको लिख दीजिए, वही रेशनल नंबर है। तो माइनस टू से बड़ा क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस वन होगा, जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री हो जाएगा, पाँच हुआ, वन टू थ्री फोर फाइव, ये सारे नंबर जो है इससे बड़ा है, और ये सारे नंबर जो है रैशनल नंबर भी है। रैशनल नंबर को हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये सारे नंबर को पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए सभी ये रैशनल नंबर है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे नंबर जो आएगा उसको भी ले सकते हैं, वो भी इसके आंसर में आ जाएगा। तो इतना ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।